चलो, कोई डाउट है किसी को पहले बताए? सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, मेरा ना सजेशन है आप लोगों के लिए कि सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है इसको नॉर्मल वे से कर लो इंस्टेड ऑफ परम्यूटेशन, वरना बता दो तो परम्यूटेशन से कैसे करना होगा। एक क्वेश्चन रीड कर लो, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, मतलब फोर डिजिट नंबर कितने हैं जहां पे कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, बताओ बेटा कैसे करूं? मेरी तो एक सिंपल एडवाइस है, क्या करो, नॉर्मल वे से कर सकते हो ना, कर लो। हाँ जी बेटा, फोर डिजिट नंबर फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन, नाइन, सेकंड के लिए नाइन, क्यों? अच्छा टोटल डिजिट्स कितने होते हैं मेरे पास, टेन, जीरो से नाइन टेन डिजिट्स होते हैं, जानते हो बात, जीरो भी काउंट कर रहे हैं ना, फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, पॉइंट क्लियर, इसलिए नाइन डिजिट्स है हमारे पास, वन टू नाइन। सेकंड प्लेस पे तो जीरो आ सकता है, नाइन, उसके लिए जिनको समझ नहीं आया उनके लिए बता दूं जरा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। मान लो फर्स्ट प्लेस पे मैंने टू डाल दिया, अब अगेन नाइन बच गए, नेक्स्ट के लिए एट, अगले के लिए जो भी आएगा कैलकुलेशन करके। हाँ जी थ्री, क्वेश्चन थ्री में दिक्कत थी, पढ़िए क्या कहता है, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। बेटा नॉर्मल ऐसे कर लो इंस्टेड ऑफ पीएनसी, कैसे करें, थ्री डिजिट इवन नंबर बनाने हैं और कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अक्षदीप, थ्री वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन डिजिट्स है मेरी, वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन, राइट, थ्री डिजिट बनाना है इवन नंबर वन टू थ्री। हाँ जी बताइए बेटा क्या करूं, लास्ट के लिए कितने ऑप्शन, कौन कौन से, टू फोर सिक्स, तो लास्ट के लिए थ्री ऑप्शन, नेक्स्ट के लिए फाइव, फाइव, नेक्स्ट के लिए फोर, तो सिक्सटी आ गए, तो क्लियर, ओके। अभी परम्यूटेशन से भी करा दूंगा, पहले बोले यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, परम्यूटेशन से भी आगे कराता हूँ। एक मिनट, सिक्स इंटू फाइव इंटू थ्री, मेरे बच्चा ये, एक मिनट एक मिनट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः नंबर है ना, सिक्स डिजिट्स आर देयर, लास्ट के लिए थ्री, बेटा रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, सारे को क्वेश्चन पढ़ो, नो डिजिट इज रिपीटेड, क्लियर, चलो आगे, ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स एक बार अटेम्प्ट करना चाहोगे, फोर में, क्वेश्चन फोर में, फोर में डाउट आया क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव। पहले मैं नॉर्मल से कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर बनाने बेटा, फोर डिजिट किसका यूज करके, वन टू थ्री फोर फाइव का, तो पहले इतना लिख लेते हैं, स्पेशलिटी क्या है, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब कोई डिजिट रिपीट ना हो। हाँ जी, वन टू थ्री फोर डिजिट्स वाले केस में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो बता रहा हूं। हाँ जी, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्या होगा बोलो, पहले के लिए नेक्स्ट, पहले के लिए फाइव, नेक्स्ट के लिए फोर, नेक्स्ट के लिए थ्री, नेक्स्ट के लिए टू, तो पांच चार तीन साठ, एक सौ बीस, राइट, वन ट्वेंटी आ गए। बट आगे भी क्वेश्चन ने कुछ पूछा है, क्या पूछा है बेटा, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से कितने इवन, कैसे करें? अब इवन के लिए वन टू थ्री, इनमें से कितने इवन है बेटा बताओ, वरदान आप बताओ कैसे होगा, लास्ट के लिए कितने ऑप्शन मेरे पास, एक टू और एक फाइव, एक टू और एक फोर, दैट इज टू, अगले के लिए चार, फिर चौथा, चार तीन बारह और चौबीस, ये था क्लियर,
कॉम्पिटिशन सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगा। 10 48 है, आर यू श्योर? ओके लेट मी चेक। मेरे बच्चा वो तो होना ही है 48। पूछो क्यों, पूछो पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार डिजिट नंबर है, फोर डिजिट है ना, मैंने थ्री डिजिट बना रहा था। 1 2 3 4 लास्ट के लिए कितने ऑप्शन, 2 फर्स्ट के लिए, 4 रह गए, फिर 3 फिर 2। क्लियर? डाउट है? क्लियर है? चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करोगे या मैं कराऊं? चलो अटेम्प्ट करो सबके सब राइट नाउ। क्वेश्चन 6, चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। फाइंड एन, एन फाइंड करना है, और क्या है, एन माइनस वन पी थ्री इज टू एन पी फोर किसके इक्वल है बेटा, 1:9 के। एन निकालना, कैसे निकालू मेरे बच्चा बोलो, डिवाइड रेशो मतलब क्या होता है, डिवाइड लगाओ फॉर्मूला, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल, क्लियर, अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। डाउट है? क्लियर? उसको डाउट है? देखो बेटा आपको एन पी आर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन क्या है यहाँ पर आपका, एन माइनस वन, आर क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू डाल ली। क्लियर? ओके अब नीचे वाला क्या हो जाता है मेरे बच्चा, रेसिप्रोकल, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, एन माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करो, एन माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल कितना, 1/9 कट गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल। अब किसको एक्सपैंड करूं, खुद बताओ एन बड़ा या एन माइनस वन बड़ा बोलो, कंफ्यूजन, तरीका बताता हूँ। अब एन को एक नंबर ले लो जल्दी से दिमाग में, कोई भी नंबर, कौन सा लोगे, 5। ओके बेटा यहाँ डालो, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे एन बच्चे बोला 5 तो नीचे क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, ऊपर क्या हो देगा, तो बड़ा कौन हुआ, नीचे वाला। पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात मैंने क्यों बोली, अगर आपको याद हो बेटे मैंने नोट्स में लिखवाया था ये रहा, चलो यहाँ पे नहीं लिखवाया अब लिखवा रहा हूँ, कि अगर n फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या होता है, n n माइनस वन n माइनस टू मतलब एक एक कम होता जाता है, ये सुनो ये कम होता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक 4 3 2 1 ना आ जाए, यहाँ तक क्लियर, यही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो नीचे वाले को एक्सपैंड करते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे वाला क्या बनेगा बेटा, पहले एन फिर एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, जिनको कंफ्यूजन है उसके लिए बता दू, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री ऐसे चलता जाएगा कब तक, 4 3 2 1 तक, ये सुनो, तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9 कट गया, 1/n कितना है, 1/9 तो n कितना गया बेटा, 9 ये आंसर हो गया। क्लियर? ओके अब एक क्वेश्चन और दिखाना है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो ही गया, सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल 13। कुछ भी हो कोई मैटर नहीं कर रहा,
एग्जाम्पल 13 ये है, फाइंड आर, आर निकालना है, इफ 5 × 4 PR इज इक्वल्स टू 6 × 5 PR-1, इसे सॉल्व करना है।